हेलो गाइस, राधे राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है मेरे किचन में। आप देख सकते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बेसन का पपड़ा और बेसन की सब्जी। देख सकते हैं ये सब मसाला सब तैयार कर दिए हैं। ये लेके जल्दी है तो हमने सोचा कि पहले तैयार कर लें, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं वो करें। अब ये देख सकते हैं ये सब, इसकी ग्रेवी बनाएंगे। धनिया है, प्याज है, लहसुन और मिर्ची, इसकी ग्रेवी बनाएंगे इसमें डाल के, इसमें डाल के। और ये हमने पीस लिया है, और ये हम इस बेसन में मिक्स करते हैं। एक सेकेंड, पहले हम इसको डालते हैं। देख सकते हैं इसमें हींग है और जीरा हमने इसमें डाल दी। अब हम इसको मिर्ची और ये लहसुन है इसको भी हम इसी में डाल लेते हैं। इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ गाइस, देख सकते हैं। अब इसको मैं ग्राइंड करूँगी। हम बना रहे हैं बेसन की सब्जी, आप देखिए, बने रहिए। देख सकते हैं गाइस, ये हम बना लिए हैं पेस्ट जीरा मिर्ची और लहसुन का। अब हम इसमें डालते हैं बेसन में। देख सकते हैं हम लोग बहुत स्पाइसी खाते हैं, इससे क्या होगा कि बहुत तीज होगा। अब भी ऐसे बना के फिर देखिए, फिर इसके में पीस लेते हैं। हाँ गाइस, देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं, सिस्टर का कॉल आ गया था। देख सकते हैं ये हम इसमें डाल दिए पेस्ट। देख सकते हैं अब हम इसी में ये मतलब ग्रेवी वाला ये हम इसको कर लेते हैं। देख सकते हैं आप, अब इसको भी हम इसको ग्राइंड कर लें। अब देखिए ग्रेवी का तैयार है। अब जानते हैं प्याज है, लहसुन है, धनिया है। गाइस इस बार ना थोड़ा सा ये मतलब पीस के बनाना चाहते हैं वो मिर्ची लाल वाली, तो हमने कहा पीस के बनाएंगे, वो पिसा हुआ आज नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम डालते हैं इसके अंदर। गाइस देख सकते हैं अब हम इसी में ये मसाला है, गरम मसाला है, ये क्या धनिया पाउडर, ये जीरा पाउडर, ये हल्दी है। अब हम भी इसको भी इसी में डाल देते हैं। अब इसमें इसी में डाल देंगे इसको भी गाइस। अब इसको भी डाल के अब इसको भी एक दो बार ग्राइंड कर इसको भी चला देते हैं इसी में, तो पूरा फूल जाएगा मसाला। गाइस अब इसको हम फेंट लेते हैं। नमक डाल दिए, देख सकते हैं नमक डाल दिए, नमक जीरा हींग और मिर्ची हरी, बस मसाला वसाला कुछ नहीं, हल्की सी बस हल्दी डाल। ये मेरा मसाला भी तैयार हो गया है गाइस। अब इसमें हल्दी डाल दिया, अब इसको मिला देते हैं। कैमरा घूमेगा, वो कोई पकड़ने वाला नहीं है ना गाइस, तो इसको मिला के फिर आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं गाइस मिला लिया अच्छे से, देख सकते हैं मिल गया ना, बस अब मिला लिया। अब इसको तवा रख, हाय गाइस देख सकते हैं अब ये तैयार। एक तरफ वो तवा रख दिए, गरम हो गया है तवा, अब एक तरफ कढ़ाई रख दिए हैं। तो सोच रहे हैं गाइस के क्या बोलते हैं कि ये गरम हो गया है कढ़ाई, तब एक तरफ मसाला भी भून दें और एक तरफ पपड़ा बनाएंगे, तो दोनों जल्दी हो जाएगा, नहीं उस तरफ बहुत टाइम हो जाएगा। तो देखिए अब हम इसमें ऑयल डालते हैं। आज वो ऑयल वाला बर्तन हम छोड़ लिए हैं, इसलिए मतलब वो खाली कर दिए हैं उसका। देख सकते हैं तेल डाल दिए हैं, अगर गर्म हो गया है। अब इसमें हम ये सब देख सकते हैं, हींग भैया बहुत ज़रूरी। हींग से क्या रहता है, खाना पचता है, गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं होती, तो आप जरूर हींग जरूर यूज करिए। हींग है, इलायची है, बड़ी इलायची, जीरा, ये क्या बोलते हैं दालचीनी है, लौंग है, काली मिर्च सब है। अब हम इसको इसमें डालते हैं। देख सकते अब ये भी जल गया है।